तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर, आप देख रहे हैं यू वी रिएक्शन। तो आप फिर से हाजिर हो गए हैं आपके इस भाई के चैनल पर जिसका नाम है यू वी रिएक्शन, और मैं हूं आपका भाई उमर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैं बड़ी मजे की वीडियो को प्रोजेक्शन करने जा रहा हूं। तो आज मैं जिस वीडियो को प्रोजेक्शन करने जा रहा हूं उसके लिए जा रहा है फैक्ट भाई की तरफ से, और इस वीडियो के थंबनेल को देख के यार बड़ा मजा आ रहा है। ये है, एक साइड पे इंडिया झंडा लगा हुआ है और साथ में ना केसरिया सॉन्ग लगा हुआ है 2023, ऊपर लिखा हुआ है कॉपी। और इस साइड पे जो सारा राइट साइड पे 2001 लिखा हुआ है, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, ओरिजिनल लिखा हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। इस वीडियो के अंदर ऑब्वियस है, मुझे पता चल तो गया कि जो इंडिया ने जिन सॉन्ग्स को कॉपी किया तो उसके बारे में चर्चा किया जाएगा, उनके बात की जाएगी, डिस्कशंस की जाएंगी। तो चले जी, देखते हैं कि फैक्ट भाइयों से हम इसके बारे में क्या डिस्कशंस करते हैं। तो इस रिएक्शन के ऊपर जाने से पहले बी सीरियस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली यार चेक कर लीजिएगा। आप भी उन लोगों में से तो नहीं है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बगैर सब्सक्राइब किए चैनल को देख रहे हैं, बगैर सब्सक्राइब किए आपके इस भाई के रिएक्शन को देख रहे हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। तो चलिए जी, लेट्स कम टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई। और पठान मूवी का बेशरम रंग सॉन्ग रिलीज हुआ था, तो सबको लगा कि वो इस गाने की कॉपी है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने। कोई समानता सुनाई दी नहीं ना। वेल, आज फैक्ट भाई हूबहू पाकिस्तानी गाने की धुन वाला बेशरम रंग पेश करने वाला है। पर उससे पहले ये सुनो। जी हाँ, हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी मूवी का गाना भी चोरी किया हुआ है। लेकिन तब तो ये जानकर हुआ कि जहर मूवी का मशहूर गाना भी पाकिस्तानी सॉन्ग से ही इंस्पायर्ड था। अब वो कौन सा था, आइए सुनते हैं। अगर हम बात करें इस गाने की, तो इस धुआं धार सॉन्ग का शुक्रिया केजे को नहीं बल्कि नाजिया हसन को देना चाहिए। जी हाँ, नाजिया हसन पूरे एशिया की पॉप क्वीन, जिसे फिरोज खान ने अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया। एक गाने से वो इतना फेमस हो गई कि उन्होंने 1981 में अपना एल्बम निकाल दिया। ये सुना हुआ है। ऐसे लेजेंडरी गाने की कॉपी करते हुए खुद करण भी कहते हैं। It was a song that I think all of us who grew up in the 80s have danced to and grooved to and loved. अच्छा। वहीं ऐसे एक सिंगर हैं जिनका सॉन्ग तो हमने खूब एंजॉय किया पर नाम कहीं खो गया। Yes, हसन जहांगीर, जिन्होंने अपने एल्बम हवा हवा से कई इंडियंस के दिलों में सालों तक राज किया और इस गाने को इंडिया के 40-84 और मुबारक जैसी मूवी में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पर जिस सॉन्ग की अब मैं बात करूंगा, उसने तो हर एक लौंडों को ट्रिब्यूट दिया। अच्छा। नहीं रुकिए, शायद ये वाला है वो गाना। अरे वेट, ये नहीं, ये रंगीला बड़े। आप सोचो मिस्टर चार्ली मूवी की इस कव्वाली से कितने गाने निकले हैं और कितने निकलेंगे। पर हमने ये भी देखा है कि जब कोई धुन ना बचे तो पुराने गाने लो और एक डांस नंबर तैयार कर लो, जैसे कि ये। इस सॉन्ग की धुन से जितने लोग एंटरटेन नहीं हुए होंगे उतने तो इससे हुए लफड़े से हुए। इस गाने के ओरिजिनल सिंगर अबरार उल हक ट्वीट करते बोलते हैं कि जब उन्होंने गाना टी सीरीज को बेचा ही नहीं था तो भैया मेरी धुन और आवाज कहाँ से। इसका जवाब देते हुए टी सीरीज ने भी ट्वीट कर दिया और इस लफड़े में जिस लेवल ने नाच पंजाबन रिलीज किया था उसने भी हाथ धो लिए और कहा कि अबरार का दावा ये गलत है। भाई राइट्स तो कब के बिक चुके हैं। मगर फैक्ट भाई इससे हटके एक और कॉन्ट्रोवर्सी से घिरे हुए गाने की बात करेगा जो 2022 का सॉन्ग ऑफ द ईयर तक बन चुका है। जी हाँ, केसरिया। जब अयान मुखर्जी ने केसरिया गाने की प्रमोशनल क्लिप रिलीज की तो लोगों ने तारीफ के साथ एक टिप्पणी भी दी कि ये गाना शायद ऐसा सुनाई दे रहा है। इसके चलते सॉन्ग को कई ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ा। लेकिन बहुत कम लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तानी बैंड कॉल का ये गाना असल में बॉलीवुड मूवी के लिए बनाया गया था। जो गाना न सिर्फ इंडिया में सफल रहा बल्कि उसने कॉल बैंड का करियर भी बना दिया। लेकिन इस लिस्ट में एक और म्यूजिक कंपोजर है जो अपने गानों से आग लगाते रहते हैं। अन्नू मलिक। इन महाशय ने भी आपके साथ धोखा किया है और वो कौन सा गाना है। ये पाकिस्तान का बड़ा फेमस गाना है 90s का।
इतना ही नहीं, आज इंडिया के कई ऐसे मशहूर सॉन्ग्स पाकिस्तान के पुराने सॉन्ग से कॉपीड हैं, जैसे अक्की पाजी का गाना। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये किसका बोल रहा है? अब ढेर सारे पुराने गानों के राइट्स होते हुए भी कोई दूसरे सॉन्ग की कॉपी करे तो कैसे चलेगा? लेकिन गाइस, जैसे हर गलती को माफ किया नहीं जा सकता, उसी तरह आशिकी जैसी मूवी में गानों की चोरी माफ नहीं होगी, क्योंकि ये मूवी जितना अपने पोस्टर के लिए जानी जाती है उतने ही उसके गानों के लिए भी। इतनी सारी मूवीज में म्यूजिक देने वाले नदीम श्रवण का दिया ये हिट एल्बम भी चोरी के रास्ते से लोगों के बीच चला है। मेरी जिंदगी है, काफी मजे का सॉन्ग है। इंटरनेट के दौर के पहले ये सब जानना मुश्किल था, पर आज बच्चा बच्चा इन कॉपीज को पहचान लेता है। फिर भी आज हम कुछ पाकिस्तानी सॉन्ग्स को कॉपी करते जा रहे हैं, वो भी 1,000 करोड़ कमाने वाली मूवी के अंदर। वो मूवी कौन सी है जान गए ना? शाहरुख खान की कमबैक फिल्म भी प्लेगरिज्म का शिकार बन चुकी है। चाहे आज आपको बेशरम रंग की धुन सुन के कुछ याद ना आए, लेकिन एक सिंगर है जिसने इसे पकड़ लिया। नई फिल्मों का म्यूजिक सुन रहा था, अपना 25-26 साल पुराना एक गाना याद आ गया। अब के हम बिछड़े तो बंदे की आवाज में जादू है। कभी ख्वाबों में मिले। सॉन्ग का नाम ना लेते हुए सज्जाद ने ये दावा तो नहीं किया, लेकिन इससे सुनने के बाद लोग खुद बोल उठे कि ये कॉपी है। इतना ही नहीं, पठान मूवी का दूसरा गाना भी एक इंडियन एनिमेटेड मूवी की कॉपी लगता है। म्यूजिक सही वही वाला पठान वाला यार, कॉपीराइट क्लेम ना आज है। ये इल्जाम सही है या गलत वो पता नहीं, पर सज्जाद के लगाए गए इल्जाम तो साफ नजर आते हैं। और क्यों ना हो, हमने इनके एक नहीं दो नहीं तीन तीन गाने चुराए हैं, जिसमें से दूसरा है ये। मैं भी खरीदूंगा। और तीसरा गाना है थोड़ा सा प्यार हुआ है, ये भी बड़ा फेमस गाना था आगे दिया। वेल, बचपन से बचपन तक सुनते आ रहे अलका याग्निक का ये गाना असल में सज्जाद का ही है। याद तो आती होगी, उनको भी हुई है मेरे ख्याल से। सोचो, काम 1902 में अपना ओरिजिनल गाना रिकॉर्ड कर रहे थे और आज रीमेक पर रीमेक बना रहे हैं। क्या लगता है भाई लोग, इन सब का सॉल्यूशन क्या है? वेल, जब तक सॉल्यूशन ढूंढो तब तक फैक्ट भाई बता दे कि ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तानी सिंगर्स ने खुद के ही गाने इंडिया की मूवी के लिए गाए हैं। आप सबने बार बार देखो मूवी में बिलाल सईद का फेमस गाना खैर मंगती तो सुना ही होगा। इस गाने के बारे में बात करते समय बिलाल कहते हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में काफी चला, इसलिए ये सॉन्ग उनके दिल के करीब है। पर शायद लोग यही याद रखते हैं कि किसने किससे कॉपी की है, और फिर शुरू हो जाती है कॉन्ट्रोवर्सीज। ऐसा ही कुछ हुआ था जब एक इंडियन पॉलिटिशियन ने ये ठान लिया कि वो भारत के जवानों के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। वो गाना कुछ था ऐसा। चुराया गया था, और इस कॉपी के इल्जाम पर राजा सिंह को काफी भला बुरा सुनना पड़ा था। इंडिया ने हमेशा एक नौटंकी किस्म का काम किया जिंदगी में, अपना म्यूजिक जो है इतना सा म्यूजिक है वो सारी जिंदगी अभी भी वो बाहर से लेकिन सिर्फ एक सॉन्ग की वजह से इतने इल्जाम लगाने वाले लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि राजा सिंह के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। तो भाई लोग, ये रीमेक का सिलसिला तो चलता रहता है, शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसने किसी के गाने नहीं चुराए। देखिए ना, सुर साथ और गाने करोड़ों, बहुत मजा भी है। अच्छा जी भाई, तो दैट्स इट फॉर टुडे रिएक्शन। बड़ी जल्दी वीडियो खत्म होगी, मैं अभी तो देख ही रहा था, मुझे लगा शायद आगे मे भी थोड़ी सी वीडियो हो। तो अगर मैं बात करूँ तो यार, इस तरह नहीं कह सकते कि इंडिया के पास म्यूजिक नहीं है। इंडिया के पास बहुत म्यूजिक है। इंडिया ने पूरी दुनिया में जो है, इंडिया फेमस है ना अपने बॉलीवुड की वजह से फेमस है, और बॉलीवुड के ऐसे ऐसे गाने हैं कि जिनको रशिया में लोग सुनते हैं, चाइना में सुनते हैं, जहाँ पे जो से आपको लोग मिलेंगे ना जो थोड़ी सी हिंदी उर्दू समझते हैं ना, वो इंडियन मूवी लाजमी देखते होंगे। अफगानिस्तान, चाइना, उसके बाद रशिया, उसके बाद जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं,
वहाँ के लोग स्पेशली, तो इन जगहों पे ना इंडिया का म्यूज़िक बहुत फेमस है. इंडिया ने अपना सॉफ्ट इमेज जो सा है ना उसको बहुत बिल्ड किया, और इंडिया को उन्होंने एज ए ब्रांड जो सा है ना वो प्रेजेंट किया वो पूरी दुनिया में. इसलिए आप कहीं पे भी खड़े होकर बात करते हैं ना कि आई एम इंडियन, तो लोग जो सा है ना उसको पहचानते हैं कि वाकई ये इंडिया से है. इंडिया ने अपना जो सा लोहा है ना उसको मनवाया इस वजह से, और ये सारा उन्होंने किया सॉफ्ट इमेज की वजह से, सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं, और वो है उनका बॉलीवुड. अभी चाहे लोग बुरा भला कहे बॉलीवुड को, तो वो अब उनकी गलती है क्योंकि वो रीमेक पे रीमेक कर रहे हैं. पर कभी किसी टाइम पे बॉलीवुड का बड़ा तूती बोलता था हर बंदा जो सा है ना वो जानता था. इवन के पाकिस्तानी जो सा है ना उनको लॉलीवुड की इतनी चीज़ों का नहीं पता होगा जितना उनको बॉलीवुड का पता है. उनको ये पता होता कि बॉलीवुड में आज कौन सी किसकी मूवी बन रही है, कब रिलीज़ हो रही है, और उसने कितना बिजनेस किया. तो ये सारी होती है सॉफ्ट पावर, और इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर के ऊपर जो है ना बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है. इस वजह से अगर आप कुछ लोग अगर कॉपी कर रहे हैं तो हम उसको बुरा भला नहीं कह सकते. तो बाकी होती रहती चीज़ें. अगर आर्टिस्ट को अगर आप उसका रिवार्ड दे देते हैं ना, मैं तो उसको बता देते हैं क्रेडिट दे देते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है. मैं भी यहाँ पे बैठ के रिएक्शन चल रहा बना रहा हूँ, मेरा अपना रियल कंटेंट नहीं है. मैं किसी की वीडियो को भी रिएक्शन कर रहा हूँ, तो मैं जारी बात अगर मुझसे कोई बात करेगा तो मैं उसको इसका क्रेडिट लाजमी दूंगा. और अगर आप किसी का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट दे देना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है. तो लेट्स सी, देखते हैं. बाकी यार काफ़ी गाने तो मेरे बहुत फेमस है यार, डिस्को दीवाने स्पेशली. उसके बाद याद तो आती होगी वो, शायद मैंने इतना नहीं सुना, मुन्ना पता नाम बड़ा फेमस हुआ था गाना सलमान खान साहब का. तो काफ़ी फेमस गाने थे यार जो मैंने बहुत सुने हुए हैं. डिस्को दीवाने वो मुझे बहुत पसंद था डिस्को दीवाने, पर वो मुझे अब जाकर पता चला वो भी कॉपी हुआ. और मैंने रियल वाला नहीं सुना हुआ था, मैंने वो सुना हुआ था जो कॉपीड है. तो चलें कोई नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. तो डैट्स फॉर टुडे रिएक्शन, दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, एंड हुदा हाफिज़.